मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। सपना देख रही हो, यह काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? नहीं। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की, वो के चार पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। ट्रक कहाँ है? कायरे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया, माल फिर नहीं मिला। क्या नाम है तेरा मुन्ना? पुष्पा, पुष्पराज। तेरी झलक शर्फी वल्ली नाम बर्फी। ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ सर, अब तो दूध में मिलावट भी नहीं करते, आज अचानक इतनी चेकिंग? गोड़ाओं ने एक नंबर, पुलिस का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। चल चालू कर। थोड़ी बात नहीं करोगे क्या? तेरे को पैसा दिया पप्पी करने का और तू टाइम पास कर रही है, चल पप्पी दे। तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहेब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए पर मेरे हाथ में प्लान। लंबी लंबी टांग वाली छोरी का दीवाना, छुनाटी लड़कियों को डालता है वो दाना। बोलेगा साला। मेरे पापू ने ना मेरे को एक सोने का चेन दिया था मेरे जन्मदिन पे, जिसमें फोटो लगे थे, एक मेरा और एक मेरे पापू का। मेरे पापू की इकलौती निशानी भी छीन के लेके गया है। जाए जा कावाद, मैं सबको लपेटे में ले डालेगा। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। तुझे क्या लगा, अगर मैं नहीं चाहती तो तू मेरे घर मेरा हाथ मांगने आ सकता था? ये तू क्या बोल रही है, तू सच में मेरे से इतना प्यार करती है? तू जानू वानू जता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे। अरे सामे, आजा सामे। कपड़े हो या ना हो अपनी औकात से मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊँ ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे। और मजा आया।